बिजली विभाग के कर्मचारी की बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने कर्मचारी पर बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए रिश्वत मांगने का और रिश्वत ना देने पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। मामला देहरादून का है, जहां क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने बिजली का नया कनेक्शन लगवाने के लिए कागजात जमा किए थे, लेकिन काफी समय तक कनेक्शन नहीं लगाया गया। उन्होंने बिजली विभाग में संपर्क किया और बिजली कनेक्शन लगवाने की मांग की, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी मोहनचंद पाठक ने कनेक्शन लगवाने के लिए 25,000 रुपए की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो कर्मचारी ने उनके साथ धक्का मुक्की की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके ऑफिस से निकल जाने को कहा। महिलाओं ने इस घटना के बारे में क्षेत्र के पार्षद अभिषेक पंत को बताया तो पार्षद ने कर्मचारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन कर्मचारी ने पार्षद के साथ भी मारपीट की और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब इस मामले में पार्षद अभिषेक पंत और उनके समर्थकों ने कर्मचारी मोहन पाठक को निलंबित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मैंने कहा ऐसा है भाई जी, हम 1-2 महीने से भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? लाइट तो सबके लिए है, मीटर क्यों नहीं लगा रहे तुम? कभी आज बुला रहे, कभी कल बुला रहे। बोलते बोलते बोले कि लाइट तो लग जाएगी पर 25,000 रुपये कमीशन देनी पड़ेगी। ये किसने बोला आपको? पाठक जी ने। फिर उसके बाद मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने 25,000 भाई जी किस चीज़ के लोगे? कि वो तो शाम तक मीटर लग जाएगा, 10,000 कमीशन और दोगे तो अभी लगा देंगे। पाठक जी ने बोला, फिर बोले मैंने कि ऐसा मत करो भाई, हम तो गरीब आदमी है, तुम इस तरह बोलोगे मुझसे? बोले कहाँ कहाँ से चूड़ा चमार आ जाते हो मुँह उठा के यहाँ दफ्तर में कि मीटर लगा दो, मीटर लगा, कोई रजिस्ट्री की तुम्हारी जमीन है क्या? आप बोले एक बार कि रजिस्ट्री की जमीन का पूरे देहरादून में सबकी रजिस्ट्री किएगा। कर्मचारी तो मुख्यतः तो पाठक है, अपने मन पाठक उन्हीं की मनमानी से त्रस्त है यहाँ की जनता, और उसके विरोध में ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनकी ये कोई पहली बात नहीं है, और ये तो अवैध वसूली का उन्होंने अड्डा बनाया हुआ है। और जहाँ तक बात है पार्षद की, तो पार्षद से तो आज तक उन्होंने, विभाग ने ना कोई ऐसी मांगी है। इनकी तो अपनी मनमर्जी है, जिसे चाहते हैं कनेक्शन दे देते हैं, जिसे चाहते हैं कनेक्शन महीनों महीनों रोक देते हैं। तो मेरी ही वार्ड की ये महिला है, जो आप समझिए 2022 से इन्होंने एफिडेविट बना रखा है और इस विभाग के चक्कर दिन रात काटे जा रही हैं। और अंततः ये हुआ कि उनके साथ बदसलूकी हुई महिला के साथ, उन्होंने ही मुझे को बुलाया यहाँ और मेरे से भी ये बदतमीजी करने लगे। और इसके विपरीत अब मामले को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इनके साथ कितना घोर, कितनी गलती, कितना कुछ हमने कर दिया हो। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।